अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हेल्थ हब। उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम आपको जो नुस्खा बताने जा रहे हैं, ये नुस्खा गैस के मर्ज के लिए है। गैस एक ऐसा मसला है जिसमें इंसान ना कुछ खा सकता है और अगर खा भी ले तो कुछ भी खाने से गैस की शिकायत हो जाती है। कुछ लोगों को मैदे की वजह से गैस होती है, कुछ खवातीन को प्रेगनेंसी की हालत में भी गैस हो जाती है। इस मसले की वजह से काफ़ी लोग परेशान होते हैं। तो वो अफराद जो गैस के मसले से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो आज की इस रेमेडी को लाजमी फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच सके। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी अदरक सूखा हुआ, जिसे सौंठ पाउडर भी कहते हैं। आपको चाहिए फिलफिल, जिसे लौंग पेपर कहते हैं। इसके अलावा अजवाइन और छोटी इलायची, ये चार चीज़ें हमारी आज की इस ज़बरदस्त सी रेमेडी में इस्तेमाल होंगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आपको चाहिए अदरक सूखा हुआ, इसके अलावा लौंग पेपर चाहिए, अजवाइन और छोटी इलायची। अब बनाने का तरीका क्या है कि सब चीज़ों को आपने एक ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करना है और पाउडर बना लेना है। जब अच्छे से पाउडर बन जाए तो आपकी दवा तैयार है। आपने इस दवा को किस तरह से इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि आपने कितनी क्वांटिटी में ये इस्तेमाल करना है। अदरक आपने 25 ग्राम लेना है, फिलफिल यानी लौंग पेपर आपने 25 ग्राम लेना है, अजवाइन भी आपने 25 ग्राम लेनी है और इसके अलावा छोटी इलायची आपको 50 ग्राम लेनी है। आपने इस दवा को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि आपने इसका 1 टीस्पून पाउडर पानी के साथ खाना है, वरना आप 1 टीस्पून नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स करके भी वो पानी पी सकते हैं। बहुत ही आजमूदा नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में होने वाली दर्दें भी आपकी ठीक हो जाएंगी और इसके चंद दिन के इस्तेमाल से आपको फौरी रिजल्ट मिलेगा। आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आप अपनी बॉडी में वाजिया फ़र्क महसूस करेंगे, आपके गैस का मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो व्यूवर्स, आपने जाना कि आप किस तरह से गैस का मसला दूर कर सकते हैं। ऐसी ही फ़ायदेमंद वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अजीज़ों के साथ ताकि और लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। हमें न्यू वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।